हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नूर नवाज़ खान, द हिंद गुरु एकेडमी दिल्ली से। अब स्टूडेंट्स, जैसे आपको मालूम है कि 21 अप्रैल से आपका जेई का एग्ज़ाम है, और आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज़ है, एनटीए के ने जो दिया है कि 2 अप्रैल से नीट के भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम होगा 2022 के लिए। तो वो बच्चे जो इस बार अटैम्प्ट कर रहे हैं जेई को या नीट को, मेरी उनके यही है कि लास्ट मोमेंट्स हैं, और लास्ट मोमेंट्स में आप कैसे तैयारी करें, कैसे अपना कॉन्फिडेंस बना के रखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, एनर्जेटिक रखें कि हम लास्ट एग्ज़ाम के टाइम तक, और फाइनल हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बाहर निकल रहे हैं उस तक हम किस तरह से अपने आप को इंगेज रखें और पॉजिटिव रखें कि हम जो हैं वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले तो ये बच्चे कि आपको पॉजिटिव रहना है। मेरी अभी भी क्लास में अपने स्टूडेंट से बात हुई थी, तो मैंने उनसे ये पूछा था कि आप अपने आप को ये रख के देखो कि पिछले 3-4 महीने के अंदर आपकी जो नॉलेज है वो गेन हुई है, आपने अपने आप को अच्छा इम्प्रूव किया है, या आप जो 3-4 महीने पहले जहाँ थे वहीं हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोगों को ये फील हो रहा होगा कि नहीं, आपने नॉलेज गेन की है, आपके सब्जेक्ट्स अच्छे हुए हैं, डेवलप हुए हैं, आपने अच्छे से पढ़ा है। तो पहली चीज़ तो ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पेशली मैं जेई की बात करूँ, फिलहाल बहुत जल्दी से एग्ज़ाम है, कि इस टाइम में नया कुछ ना करके जो पुराना आपका है पहले उस पर कमांड करने की कोशिश करें, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो। आप अपने आप को इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लें कि जो मेरा एक टॉपिक है उससे क्वेश्चन बच के नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि जितना हमारा अच्छे से आता है हम उस पर कमांड कर लें। जब उस पर हम कमांड कर लें, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर हम कुछ नया करने की कोशिश करें जिसमें टॉपिक्स में हमें डाउट्स रहते हैं, जिसमें टॉपिक्स में हमें होता है। दूसरी चीज़ ये, अब लास्ट मोमेंट के अंदर अगर आप कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि जो भी टेस्ट सीरीज आप अटैम्प्ट करें उसमें पहले क्वेश्चंस में पूरा दिमाग अपना लगाएं। अगर एक टेस्ट सीरीज में जो भी आप टाइम दे रहे हैं, 3 घंटे का पेपर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर उस टाइम फ्रेम में आपका नहीं हो रहा है तो सीरीज के बाद उस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं होता है तो अपने ही क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ उसको डिस्कस करें, क्योंकि जब आप सेम लेवल के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसमें वहाँ पे आपको लर्निंग बहुत अच्छा मिलता है। अगर नहीं होता है तब आप टीचर से कनेक्ट करें, क्योंकि टीचर्स तो आपको सॉल्यूशन दे देगा लेकिन वो जो दिमाग की जो आपकी एक्सरसाइज होनी है वो नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात बच्चे, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो नीट वाले बच्चे हैं जिनको 17 जुलाई को करना है, तो ये एक अच्छा टाइम आपको मिल गया है, डेट मिल गई है कि हमारा टारगेट है कि अब हम जुलाई को हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि अब तक अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं था कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब डेट मिल गई है। तो अब आप अपने आप को पूरा अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी को बहुत अच्छे से आप टाइम दे सकते हैं, बिकॉज अप्रैल 31 मार्च इज टुडे, तो पूरा अप्रैल आपको मिल रहा है, पूरा मई आपको मिल रहा है, पूरा जून आपको मिल रहा है, जुलाई का पूरा मिड आपको मिल रहा है। तो जुलाई अगर हम रिविजन के लिए छोड़ दें तो यू हैव कम्प्लीट 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स के अंदर आप चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, पॉजिटिव रखना है, और मैं अपने क्लास में भी बच्चों को यही कहता हूँ कि ये प्रेशर लेके मत चलेगा, प्लीज़ आप सब बच्चों से कह रहा हूँ कि भाई अब 720 आउट ऑफ 720 बच्चे स्कोर करने लगे हैं तो मुझे 600 प्लस ही करना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा। हो सकता है कि जो आप कोई टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर रहे हो अपने इंस्टीट्यूट की, किसी और की ऑनलाइन, और उसमें आप 400-500 स्कोर कर रहे हो और आप अपने आपको डाउन महसूस कर रहे हो कि मेरा 400-500 पे नहीं होगा। बच्चे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मे बी पॉसिबल पेपर टफ बनाया जाए, और जैसे हमारा आपसे 2 साल से पहले 480 और 500 पे और 440 पे भी बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अगर टफ कर दिया जाए तो हो सकता है मेरिट डाउन चले जाए, 400-500 पे भी आपका सिलेक्शन होने लगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप तो बस ये देखिए, आंख बंद करके एनालाइज करिए कि क्या आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपने अपनी कमांड कर ली है, एनसीईआरटी आपने बहुत अच्छे से कर ली है। अगर आपने कर लिया तो फील पॉजिटिव ना। अब ग्रेजुअली आपके पास 3 महीने हैं, जुलाई 17 को 3.5 महीने, अगर मैं आपसे कहूँ 17 दिन और हैं, तो 3 महीने में अपना स्कोर जब जैसे आप टेस्ट दें वैसे वैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे से द हिंद गुरु एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, हमने 10 टेस्ट की टेस्ट सीरीज हमने जेई के लिए रखी हुई है, और 15 टेस्ट की हमने टेस्ट सीरीज नीट के लिए रखी हुई है, एंड इट इज़ जस्ट 400-500 रुपीज, जस्ट रजिस्ट्रेशन चार्जेस वी आर टेकिंग। तो अगर जो बच्चे ऑफलाइन दिल्ली सेंटर्स पे आके कर सकते हैं वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, आफ्टर द टेस्ट हम उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों से कहेंगे कि पहले जाके उन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें तब उसके सॉल्यूशंस को देखें। और जो बच्चे हमारे से दूर हैं वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम पेपर्स ड्रॉप कर देते हैं, उस पेपर को आप अपने आराम से 3 घंटे बैठ कर सॉल्व करिए, आपको हम उसकी आंसर की दे देंगे, अपने आप को मैच करिए कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं वो आप चेक कर सकते हैं।
तो ये हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और उसमें यही है कि जहाँ पे भी फिर आपको लगे कि ये मेरा टॉपिक या ये मेरा चैप्टर, ये मेरा क्वेश्चन मिसिंग है या इसमें मुझे मेहनत करनी है, तो उसको आप अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। उम्मीद ये है इंशाल्लाह कि आप लोगों को एक अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलने जा रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट में बच्चे, पॉजिटिव फील करिए, बहुत अच्छा करिए माशाल्लाह।